दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु से धीरेंद्र सिन्हा। आज आए हैं हम सेक्टर 2 अनमोल अपार्टमेंट। ये सोसाइटी है, अनमोल अपार्टमेंट है और सेक्टर 2 में हम अभी हैं। सोसाइटी के बाहर खड़े हैं, अनमोल अपार्टमेंट सेक्टर 2। हम जो जिस फ्लैट पे जा रहे हैं वो बिल्कुल मिडिल फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर का फ्लैट है। 4 बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग रूम, बहुत ही बिगेस्ट साइज़ का फ्लैट है, जिसका काम आपको मैं बताऊं कि फ्लोरिंग से लेके आपका वॉल से लेके वुडन कंप्लीट से लेके किचन से लेके पाइपलाइन से लेके बाथरूम फिटिंग से लेके हर एक चीज़, पुराने एक आपके रेते भी नहीं है, सिर्फ ईंटें छोड़ के पूरी टीम लगी हुई है इस फ्लैट को तैयार करने में। ऐसा तैयार किया जा रहा है जिसमें आप खुद अपने खड़े होकर फ्लैट तैयार करते हो अपने लिए, वही फीलिंग के साथ फ्लैट तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे अपने बच्चों के सुख सुविधा के लिए कि फ्यूचर उनका ऐसा मकान तैयार कर रहे हैं, जस्ट लाइक उसी फीलिंग के द्वारा फ्लैट तैयार कर रहा है, जहाँ पे प्यार से अपने पैसा, अपना पैसा समझ के कि हाँ मेरा पैसा लग रहा है, तो उस तरीके से क्वालिटी मेंटेन करके हर एक चीज़ बारीकी से कि आपको ये लगे कि हाँ मैं खड़ा था और मैं इस फ्लैट को तैयार कर रहा था। ऐसे इमोशन, ऐसी फीलिंग, ऐसे प्यार के फ्लैट तैयार किया रहा है और सच में बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी। आप अंदर से देखोगे तो लगेगा हाँ मज़ा आया फ्लैट देख के। तो बस करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब अभी तक जिन्होंने नहीं किया है बस कुछ नहीं, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बने रहिए नंबर वन प्रोडक्ट के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद, और जिन्होंने अभी नहीं किया है उनको अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु को। बिल्कुल अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस में अपने प्यार भरा, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर फ्लैट लेना है तो कोई ऑप्शन नहीं, नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु, जहाँ पे आपको वो हर एक चीज़ दिया जाएगा, हर एक चीज़ टीम होगी, सर्विस होगा, लोन हो, इंटीरियर वर्क हो, मकान हो, प्लॉट हो, हर एक चीज़ के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु के सब्सक्राइब बटन पर जाना है और सब्सक्राइब दबाना है। तो ये टेलीफोन एक्सचेंज है, सामने आपका ये मणिपाल हॉस्पिटल है, उस पर आपको जाओगे तो कोने में बिल्कुल सोसाइटी के सामने जेएम इंटरनेशनल स्कूल है, यानी सोसाइटी के सामने स्कूल है, हॉस्पिटल है, टेलीफोन एक्सचेंज है। आगे आप चले जाओगे तो ये राजापुरी द्वारका चला जाएगा, और इधर आप जाओगे तो ये आपको पालम की तरफ चला जाएगा। सामने आशादीप अपार्टमेंट है बगल में, उसके बगल इस लेन में आपको आशादीप है, अनमोल अपार्टमेंट है, जॉय अपार्टमेंट है, प्रज्ञा अपार्टमेंट है। तो ये बिल्कुल सारे फ्रंट लेन पे ये अपार्टमेंट सारे हैं, मेन रोड की सोसाइटी है। सामने आपका बस स्टैंड भी है, बिल्कुल कोने में बस स्टैंड भी है। तो बस आपको कहीं जाना है दिल्ली से, अगर दिल्ली कहीं किसी कोने में जाना है तो सबसे बेस्ट सेक्टर नज़दीक पड़ता है। आर्मी के ज़्यादा बिलोंग यहाँ पे सोसाइटी में आते हैं, जैसे कि एनपीएससी सोसाइटी, वहाँ लक्ष्मी अपार्टमेंट, सब 2 में आते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज है, आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, बस स्टैंड है, आगे राजापुरी है, इधर पालम है, सोसाइटी ज़बरदस्त है। तो चलते हैं फ्लैट के ऊपर, उससे पहले इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ बारीकी से बताया गया है, हर एक क्वालिटी बताया गया है, दिखाया गया है, स्किप करेंगे मिस कर जाएंगे, तो स्किप मत कीजिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, चलते हैं फ्लैट के ऊपर। आगे हैं फ्लैट के बिल्कुल बाहर कॉरिडोर में, सामने आप देख सकते हैं कॉरिडोर है, ये 2 लिफ्ट है, और राइट हाथ में हमारा फ्लैट है, जगमगाता हुआ फ्लैट, प्यार से भरा हुआ फ्लैट, आपकी फीलिंग जुड़ा हुआ फ्लैट, आपके घर जैसा माहौल, आपके घर जैसा जैसे अपने घर में बच्चों के लिए तैयार करते हैं भविष्य के लिए, वैसा फ्लैट जहाँ पे फीलिंग है, प्यार है, खुशी है, शांति है, लक्ष्मी है कि लक्ष्मी की साक्षात विराजमान हो, ऐसा फ्लैट जहाँ पे हर एक चीज़ बारीकी से बनाया गया है, पॉजिटिव चीज़ है, हर एक चीज़ ब्रांडेड है, हर एक चीज़ नया है, हर एक चीज़ टॉप क्लास का है। तो चलते हैं, अनमोल अपार्टमेंट है, लो मिडिल फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी फटाफट जाएं नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु को सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू, चलते हैं। तो ये हमारा मेन एंट्री है, देखिए अभी काम, मतलब ये समझ लीजिए कि 1-1.5 हफ्ते का काम है, जैसे कि अभी पेंट का काम होना है, झूमर वगैरह, लाइटिंग वगैरह, पंखे वगैरह, पेंट का काम सारी, वो फिनिशिंग अभी बाकी है, फिनिशिंग स्टेज पे है। हाँ, ये एंट्री होगी, ये हमारी बना हुआ है दरवाजे का। मैं मेनली आपको जो हम दिखा रहे हैं वो साइज का, आप ये देखो इतना बड़ा ड्राइंग डाइनिंग आपके डेट में किसी, पहले मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ।
अब ये देखिए इसकी लंबाई देखिए ड्राइंग का, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाल है। अभी 70% काम हुआ है, 30% काम बाकी है, तो अभी सजना सवरना बहुत बाकी है। जैसे सारे लाइटिंग वगैरह, झूमर वगैरह, फिनिशिंग वगैरह और लास्ट में पेंट होगा। ये ड्राइंग हो गया। अब डाइनिंग का एरिया देखिए, ये डाइनिंग का एरिया, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे बड़ा साइज है, ये ड्राइंग का हो गया। और ड्राइंग डाइनिंग आपको दिखाया है, इधर आते ओपन बालकनी है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। ये देखिए ये साथ में आशादीप अपार्टमेंट है, यहीं पे प्रज्ञा है, यहीं पे जॉय अपार्टमेंट है। अभी ये सारा फ्रेम लगेगा, ग्लास वगैरह पूरा लगेगा, अल्मीनियम का फ्रेम, टीवी का बनाया गया। फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं। एक फ्लोरिंग का भी आप देखोगे तो व्हाइट कलर का है, जो बिल्कुल पॉजिटिव वाली है। ये देखिए ये पहला बेडरूम, पेंट का काम शुरू हो चुका है, घिसाई हो रही दीवारों पे। यहाँ सामने कबर्ड है, यहाँ पे पंखे लगेंगे, सामने एसी का फिटिंग किया गया है, ये बाथरूम की फिटिंग अभी हो रही है। सब कुछ नया ब्रांड में काम किया गया है, हर एक चीज वायर से लेके हर एक चीज पाइप, वो पाइप आप देख रहे हो प्लम्ब के बाहर का, वो जो सीलन जिसके आ रहा है वो भी सारा नया चेंज हुआ है, हर एक चीज नया फिटिंग होगा। और ये आप बालकनी कह लो या स्टोर कह लो या कुछ भी कह लो, बहुत ही अच्छा प्यारा साइज ये दिया गया है। रूम के साथ है, धूप प्रॉपर आ रही है। वॉशिंग एरिया बना लो, यहीं पे कपड़े धो, यहीं पे कपड़े टांग दो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर धूप है। ड्राइंग डाइनिंग मुझे बहुत बार बार आपको दिखाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा है। किचन में भी काम है, मैं इनसे आपसे पूछा देता हूँ, दो मिनट फ्री हो भैया, दो बता दो इसमें क्या 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 काम बचा हुआ है भैया किचन में, या ऑल सारे फ्लैटों में क्या क्या काम होगा आपको नॉलेज है तो। किचन में क्या क्या लगेगा, और ये पाइप, पेंट्री भी लगेगा, और ये पेंट वगैरह भी बाकी है। बिजली का क्या मतलब, ये लाइटिंग जो साइड में, अच्छा बाकी लास्ट टचअप होगा पेंट वगैरह सबका। अच्छा फिनिशिंग का मतलब ना, अच्छा बाकी सारा चीज इसमें नया लगा है ना, सारा एक चीज नया है, वायर से लेके पाइपलाइन से लेके हर एक चीज। अच्छा ये लकड़ी का जो काम हुआ वो क्या चीज का है, लकड़ी का तो बोर्ड ही लगा है, पर फ्लैटों जो आते हैं वही है। अच्छा क्वालिटी मतलब टॉप क्लास अच्छा ही है, पीवीसी पैनल बाहर काम होगा। चलो थैंक यू भैया। तो अभी काम 30% बचा हुआ है, और ये ओपन किचन है जो साइड में, यहाँ पे लाइट लगेगी, और पेंट्री यहाँ पे लगेगा, और फुल्ली मॉडल जैसे चिमनी लगेगा, चिमनी में आप बताए ना, और क्या कहते हैं चिमनी वगैरह लगेगा। फुल्ली मॉडलर किचन है, किचन का साइज भी आपको देख सकते हो बहुत ही बड़ा साइज है, और यहाँ पे फ्रिज का भी दिया गया है, फ्रिज का वो साइड में लगा है। यहाँ पे क्या लगेगा, अच्छा ओपन दे, ये पेंट्री इसमें बनना अभी बाकी है, लगेगा वो तो मशीन, अच्छा पूरा मशीन सेटअप से लगेगा। बाकी पूरी ये फिनिशिंग मैंने आपको बताया कि अभी सारे फिनिशिंग टचअप पे है, सारा चीज होगा। यहाँ पे जैसे सिंक वगैरह लगना बाकी है, जो आजकल सिंक चलता है जिसमें बर्तन वगैरह की आवाजें नहीं आती है, तो एक अलग टाइप का वो चीज आता है। जी 7-8 दिन का काम है। एंड सेकेंड बेडरूम में आ जाते, सेकेंड बेडरूम का साइज आपको देख लो,
लाइटिंग वगैरह सब लग गया है, फिनिशिंग होगा। फिनिशिंग के बाद जैसे कहते हैं लास्ट स्टेज में दुल्हन सज जाती है, लसलाई के मकान भी आपको इस तरह सजी मिलेगी, वो भी टॉप क्लास का सब कुछ। ये सेकेंड बेडरूम था, ये ड्रेसिंग एरिया दिया गया है, स्टोर टाइप का ड्रेसिंग एरिया है। ये ड्रेसिंग एरिया दिया गया है, ये धूप रूम के अंदर आ रही है, धूप जो है रूम के अंदर आ रही है। एंड तीसरा बेडरूम है, और इस रूम में भी आपको धूप अंदर की अंदर पूरा अंदर आ रही है। ये कवर्ड बना हुआ है सामने, और ये बालकनी आपको दिखाता हूँ, सबसे बड़ी बालकनी। इसमें क्या बाथरूम बन रहा है? बाथरूम है ये। तो ये रूम के अंदर आएगा या रूम के बाहर रहेगा? अच्छा बाहर। सारे इसमें पाइपलाइन नया लगा है ना बाथरूम में? आपको ये साइज दिखाता हूँ, बहुत ही लंबी बालकनी है। ये सोसाइटी का पार्क है, और ये साइज देखिए, यहाँ पे है। बहुत ही लंबी बालकनी है, मतलब इस कोने से लेके और इस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक बनी हुई है पूरी लंबी बालकनी। स्टील का ये आपका लगा हुआ है, नीचे ग्लास है। काम मैंने अब सब फिनिशिंग स्टेज पे सारा चीज़, पाइपलाइन, बिजली का वायरिंग हो, जो फ्लोरिंग हो, हर एक चीज़ नया लगा हुआ है, कोई भी पुराना आइटम नहीं है। धूप आपको रूम के अंदर तक आ रहा है। ये तीसरा बेडरूम था, अब चौथे बेडरूम में चल रहे हैं। एक संदेश, ये चौथा बेडरूम था, फर्स्ट बेडरूम आपका वो रहा, सेकेंड आपका ये रहा, थर्ड आपका ये रहा, और चौथा बेडरूम है। इसमें भी आपको ये स्लाइडर लगा है जो बालकनी के साथ है, रोशनी की पूरी स्लाइडर लगा हुआ है, साइड में बालकनी भी है। अटैच आपका ये बाथरूम है, तीन बाथरूम है, फोर बेडरूम, ये तीसरा है और चौथा बेडरूम है। इसमें टोटल चार, तीन बाथरूम या चार? तीन बाथरूम है, फोर बेडरूम का फ्लैट है, प्रॉपर लग्जरी सारा काम चल रहा है, आपके लिए तैयार हो रहा है। बस किधर? अच्छा, तो प्रॉपर फोर बेडरूम का बाद फ्लैट था, लग्जरी का काम, एक्सक्लूसिव काम, ब्रांडेड काम, बिगेस्ट साइज का फ्लैट है। हर एक चीज़, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पाइप का हो, चाहे ग्लास हो, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे किचन का फ्लोरिंग, पाइपलाइन से लेके हर एक चीज़, सिर्फ पुराने ईंटे रह गए, और हर एक चीज़ क्वालिटी मेंटेन किया गया, हर एक चीज़ ब्रांडेड यूज किया गया है। अभी लॉक वगैरह लगना बाकी है, तो धूप से नहाता हुआ फ्लैट है, बिगेस्ट साइज का फ्लैट है। ड्राइंग डाइनिंग आपका, इससे बड़ा ड्राइंग डाइनिंग, मतलब आप कितने भी बड़े 12 सीटर 22 सीटर कोई भी सोफा सेट लगाते हो, हाँ तो कोई भी सोफा सेट लगाते हैं, आप उस कोने से देखिए और फिर इधर घूम जाइए। कितने भी बड़ा सोफा सेट लगा तो कितने भी बड़े आपको खाली ही नजर आएगा, इतने बड़े ड्राइंग डाइनिंग है। सब जगह झूमर लाइटिंग, फैंसी लाइटिंग लगनी बाकी है। तो अनमोल अपार्टमेंट था, सेक्टर 2, 4 बेडरूम का, बिगेस्ट साइज, बिगेस्ट बालकनी वाला साइज, न्यूली ब्रांडेड, एक्सक्लूसिव काम किया हुआ, हर एक क्वालिटी मेंटेन किया हुआ, जहाँ पे हर एक चीज़ आपके सुख सुविधा के लिए मेंटेन रखा गया है, कि कोई भी ऐसा चीज़ ना हो, कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो फ्यूचर में प्रॉब्लम है, दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए। तो हर एक चीज़ बारीकी से बनाया गया है, पूरी टीम होती है जो प्रॉपर टीम काम करती है। अनमोल अपार्टमेंट है, 4 बेडरूम का फ्लैट है, मात्र इसकी आस्किंग प्राइस, इतने एक्सक्लूसिव काम का, इतने बड़े फ्लैट का, मात्र 2,48,00,000 की इसकी आस्किंग है। 2,48,00,000 की इसकी आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएबल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, किसी भी पेपर से आप लोन ले सकते हो, कोई भी लोन बैंकर देगा, हर पेपर टाइटल क्लियर है,
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, मेन रोड की सोसाइटी है, फ्रंट का है, धूप से नहाता हुआ फ्लैट है, मात्र 2,48,00,000। ऐसे जबरदस्त फ्लैटों के लिए, ऐसे एक्सक्लूसिव ऐसे प्यार से भरा हुआ फ्लैट सुख जहां लक्ष्मी वास हो, ऐसे एक्सक्लूसिव ब्रांड काम किया हुआ फ्लैट के लिए मात्र आपको करना क्या है, नंबर 1 प्रॉपर्टी गुरु पर जाना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है और अभी के अभी दबाना है। थैंक यू।